नमस्कार दोस्तों, द कृषि चौपाल के मौसम समाचार में आपका स्वागत है। 9 फरवरी से 11 फरवरी के दौरान देश भर के सभी राज्यों के मौसम को लेकर मौसम विभाग ने जो लेटेस्ट एडवाइजरी जारी की है उसके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। 9 फरवरी से 11 फरवरी के दौरान मौसम विभाग ने देश के कौन कौन से राज्यों में बारिश की संभावना जताई है। आप चाहे किसी भी राज्य से हों दोस्तों, आपको इस वीडियो में आपके राज्य के मौसम की जानकारी बताई जाएगी, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखें। साथ ही दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि 9 से 11 फरवरी के दौरान देश भर में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने बताया कि देश के उत्तर पश्चिमी और मध्य भागों के आसपास के क्षेत्रों और पूर्वी क्षेत्रों में आज मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 10 और 11 फरवरी को गरज चमक के साथ बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। इसके अलावा उत्तराखंड में कई स्थानों पर मौसम विभाग ने 11 फरवरी को ओलावृष्टि की भी संभावना जताई है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर 10 और 11 फरवरी को हल्की बारिश होने की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में आज बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन 10 फरवरी को बारिश के साथ कई इलाकों में हिमपात होने को लेकर भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही सिक्किम में कई स्थानों पर हल्की बारिश और एक दो स्थानों पर ओले गिरने की संभावना 10 और 11 फरवरी को मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग ने जानकारी दी कि पिछले कई दिनों से पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बारिश के साथ भारी बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में एक बार फिर से ठंड बढ़ा दी है। फरवरी का पहला सप्ताह जाने के बाद अब यूपी, बिहार और दिल्ली तथा राजस्थान समेत पूरे उत्तर भारत में सर्दी का सितम कम हो गया है, लेकिन पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर अगले सप्ताह उत्तर भारत के मौसम पर साफ तौर पर देखने को मिलेगा। बर्फबारी के कारण जहां पहाड़ी राज्यों पर पारा 10 डिग्री के नीचे बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ तेज हवाओं का दौर भी जारी है। मौसम विभाग की माने तो आज दिल्ली NCR और उत्तर भारत के कई राज्यों में धूप खिलेगी और दिन में आसमान साफ रह सकता है, हालांकि रात और दिन के समय पारा और गिर सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का दौर लगातार जारी है, जिसके कारण अगले सप्ताह उत्तर भारत में एक बार फिर से सर्दी बढ़ेगी। मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में अभी आने वाले दिनों में बर्फबारी जारी रहेगी, जिसके कारण यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और बंगाल समेत मैदानी राज्यों में 10 और 11 फरवरी की सुबह के समय घना कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बादलों और धूप के बीच लुका छिपी का खेल जारी है। मौसम विभाग ने दिल्ली NCR के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। नोएडा वाले इलाकों में सुबह के समय घना कोहरा देखने को मिलेगा। इसके साथ ही न्यूनतम तापमान में एक बार फिर से गिरावट होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इस वजह से अगले सप्ताह ठंड फिर से बढ़ सकती है। मौसम विभाग की माने तो 11 फरवरी के बाद न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। स्काईमेट वेदर के मुताबिक 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। इतना ही नहीं, पंजाब, हरियाणा और असम के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में बर्फबारी का पूर्वानुमान भी 10 और 11 फरवरी को मौसम विभाग ने जताया है। पहाड़ों पर बर्फबारी से उत्तर भारत में फिलहाल तेज हवाएं चलेगी। मौसम विभाग ने बताया कि 9 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कम रहेगा, जिसके कारण 9 फरवरी को बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन 10 और 11 फरवरी के दौरान पश्चिमी विक्षोभ का हल्का प्रभाव रहने से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, NCR, पंजाब, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हल्की बारिश होने की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। इसके अलावा पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल में 9 से 11 फरवरी के दौरान पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा, जिसके कारण इन पहाड़ी राज्यों में 11 फरवरी तक भारी बारिश के साथ बर्फबारी का दौर जारी रहेगा। असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, केरल और कर्नाटक के तटीय इलाकों पर 10 और 11 फरवरी को हल्की बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है।
आइए दोस्तों अब जानते हैं कि मौसम विभाग ने 10 और 11 फरवरी को किन किन जिलों में बारिश को लेकर संभावना जताई है। आपको इस वीडियो में आगे जिले अनुसार मौसम का अपडेट बताएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। साथ ही दोस्तों आप अपने जिले का नाम भी हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि आपके जिले के मौसम की जानकारी भी हम आप तक पहुँचा सकें। मौसम विभाग के ताज़ा मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अब फिर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके कारण उत्तरी भारत के ज्यादातर राज्यों में बारिश की संभावना बन रही है। उत्तर प्रदेश के गोंडा, बहराइच, मेरठ, बलरामपुर, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर देहात, बदायूं, पीलीभीत जिलों में 10 और 11 फरवरी को कई स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इसी के साथ राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जयपुर, अलवर, भरतपुर और उदयपुर जिलों में भी 10 फरवरी को कई स्थानों पर बारिश देखने को मिलेगी। हरियाणा के सिरसा, फतेहाबाद, गुरुग्राम, जिंद, रोहतक और भिवानी जिलों में 10 और 11 फरवरी को दो दिन तक हल्की बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मध्य प्रदेश के छतरपुर, भिंड, मुरैना, सिवनी, सतना और ग्वालियर जिलों में 11 फरवरी को मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, जिसके कारण 11 फरवरी को इन जिलों में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। वहीं पंजाब के फाजिलका, मलोट, बठिंडा, अमृतसर और तरन तारण जिलों में 10 फरवरी को मौसम विभाग ने हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। बिहार के पटना, गया, समस्तीपुर, पूर्णिया, बेगूसराय, वैशाली, दरभंगा जिलों में 10 और 11 फरवरी को दो दिन तक हल्की से मध्यम तेज बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। झारखंड के कोडरमा, बोकारो, धनबाद, गुमला, खूंटी, पाकुड़ और हजारीबाग जिलों में भी 11 फरवरी को कई स्थानों पर बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। छत्तीसगढ़ के मौसम को लेकर मौसम विभाग ने बताया कि ज्यादातर जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा, इसी के साथ न्यूनतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी बनी रहेगी। मौसम विभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी युक्त हवाओं का आगमन दोबारा से शुरू होने के भी संकेत मिल रहे हैं, जिसके कारण मौसम एक बार फिर से बदल सकता है। अगले एक दो दिनों में बादल छाए रहने की संभावना है। वहीं नमी के कारण कुछ हिस्सों में 11 फरवरी को हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। मौसम विभाग ने जानकारी दी कि मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिलों में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव अब कमजोर पड़ गया है, जिसके कारण हवा का रुख उत्तर दिशा से होगा। उत्तरी हवा चलने से प्रदेश में कश्मीर से बर्फीली हवाएं चलेगी, इसके कारण अगले सप्ताह रात में सर्दी का सितम बढ़ सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि हवा में नमी होने की वजह से मध्यम कोहरा छाने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान में भी गिरावट आने की संभावना है, जिससे रात के समय सर्दी बढ़ेगी। 11 फरवरी को नया पश्चिमी विक्षोभ आ सकता है, जिसके कारण मौसम में फिर से बदलाव आएगा। आज के मौसम समाचार में बस इतना ही दोस्तों। यदि आपको यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।